छोड़ देना। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, रुके रुके रुकी रुकी, ओ बहुत हो गए। कांता बोला है क्या? रुक जाए, रुक जा भाई। गुरप्रीत बस, अरे रुक जा, बस हो गई, बहुत हो गई, बस बस हो गई, हो गई, छोड़ हो गई, छोड़ दे, चलो एक लाख की सबक मिल गई, लो छोड़ दे, छोड़ दे। सुधर में ना तू, मैं करने चली। महक तू अंदर चला, तू ऐसे हार ना मान सकेला। Thank you.
चला। भैया आप ठीक बानी ना? चोट सिर्फ ऊपरी बा, अंदर से अभी भी बहुत मजबूत बानी। अरे खड़ा काहे बाड़ा तू सब लोग, डांस शुरू कर रहे यार। संगीत है हमार भाई, तू सबके यही खातिर बोलोले बनी, डांस कर रहा लोग। अरे शर्मा फैमिली बाहर आ जा लोग यार। अब इका न बता मासबा, इतना पिटवावला लोग तू लोग हमके, कम से कम हमरी संगीत में आ जा लोग। शर्मा फैमिली अरे आवा लोग यार।
कहाँ गई? मम्मी अबे तो यहीं रह लिया सा। तो फिर गायब कहाँ हो गई? 6 फुट के आदमी है, कोई बच्चा ना। चिल्ला मत, ना तो हम डर जाए। और अगर हम डर गए नहीं ना तो तौके किस करे के गलती दोबारा कर दे। और ये दुनिया का कही आ? इमा कंगन और दुपट्टा भेजले बाड़ी कल के मेहंदी खातिर। एक एक काल मेहंदी पे पहनी है, या तू बोला तो हम अबे पहना देता नहीं। ना पहनब, तुहार नाम के हमार बदन में कुछ न लगी। पर कहे इतना मार खाए कि बाद में तो ठिकाने ना आए तुहार। देखा बिना पहना होले तो हम यहाँ से जाएंगे, चाहे जौन कर एक बार कॉल। अब जी बहुत बड़ा ज्यादा वाला जिद्दी होई ना, सिर्फ वो ही के चली, समझ लू। इस जिद ना जबरदस्ती बशौरिया। अगर ये जबरदस्ती है ना तो तू ज्यादती करता रू। पहले अपन ये ज्यादती बंद कर, ओकरी बाद तू आके हमसे बात कर। प्यार करे ली पर कहेलू नहीं, ये ज्यादती ना है तो औरी का हम है। हाँ बोला। हम तो दौके हमेशा हंसावल चाहेंगे, हमेशा खुश रखल चाहेंगे। और तू हमारे साथ ना देखे ना, हम दोनों के रवावत आड़ू। काहे हाँ काहे करत आड़ू तू ऐसन? महक अब हम ऊ शौर्य बन गल बानी जोन तू चाहत रहलू, तो तू काहे लड़त आड़ू अपने आप से? हाँ बोला। प्लीज महक हमरे प्यार के हाँ कही दा, प्लीज प्लीज कही दा कि तू हमरे बगैर ना जी पाई। देखा तू प्लीज रोवा मत, प्लीज। तो क्या अगर ये नहीं खे पसंद ना तो एक ही उतार के तू फेंक दा। वो तो माँ कहले रहली कि आशीर्वाद है, यही खातिर बस हम ले आई नहीं। अगर तू नहीं कुछ चाहता है कि उतार के फेंक दे, वैसे भी यू नो मी, हम ये सब चीज में बिलीव ना करेंगे। We'll be right back.
सासू माँ आशीर्वाद दें। आपके दामाद बने के पहला पड़ाव पार कलियानी। ऑफ कोर्स मां, आप ऐसे कैसे सोच सके नी मां? अगर होत ना तो ये चोट लगे से पहले सोचता कि हर चोट में मां के कितना दर्द होला। ये सब हो का रहल बा सौर्य, बढ़कर आंगा सांगा बनल फिर रहल बा। कब वो सिर पर वाके आ जावेला, कब वो हाथ पर दुर्वा के आ जाला। हम चाहले कि तू और महक एक हो जा, मगर ये तरीका से ना होला सॉरी प्यार जतावे के। कौनता जी के हिम्मत कैसे भइल कि वो हमार बेटा के गुंडा से पिटवेलन? माँ छोड़ दा हमरा के। माँ प्लीज, सॉरी माँ, प्लीज गुस्सा मत करा। माँ हम प्रॉमिस करता नहीं, आज के बाद मार खा के कबू ना आई। हाँ ए बारी तो मार के ही आए। माँ माँ काहे आंसू बहाओ था? जिम में इतना घंटा ऐसे थोड़ी बर्बाद करें नहीं हम कि बाइसेप इतना आसानी से टूट जाए। माँ मैं जैसन लड़की के दिल जीते खातिर ना मजबूत दिल के साथ मजबूत बॉडी के होकर बहुत जरूरी बा। इतो खुशी के टाइम तहार इतना पुराना तमन्ना पूरा होके वाला बा। तोहरी खातिर बहू लेके आवत आनी, उहो तोहरी पसंद के। माँ प्लीज मत रोवा। माँ रोवे के नहीं, सास बन के रुलावे के टाइम है। माँ काल मेहंदी है, आप जाइ ना मेहक के घरे शगुन देवे। ठीक है जाइ। एक सौ दो बुखार, बस अब कोनो बहस मत करिया। तू दिन भर आराम करबा, हम तहार सिरहाने बैठ के पट्टी करब। माँ हम बिल्कुल ठीक बानी माँ, और अगर आप चाहतानी कि हम बिल्कुल ठीक रहीं तो प्लीज प्लीज महक के घरे जाके मेहंदी के थाल दे दा। माँ प्लीज मना मत करिया, वरना हम आराम ना करो। सच सॉरी, हम तो हार जैसा जिद्दी इंसान कोनो न देखनी। आप पट्टी तो करे देबा ना।
तभी जीवन तू दोनों कहूं जाता ना रहल हो, काले संगीत रहल तो एकर मतलब है आज मेहंदी हुई तो हर घर में रहब जरूरी हो। देखी दादी हम कहले रहनी ना आज मेहंदी हो, आई समनन जी महक बेटा ही तहार सगुन के थाली है। करू ना बहन जी, एक बार पहले भी रागुआ सास के हक निभावे के लिए सगुन की थाली लेकर आई रहनी है, भूल गई निका भइल रहल ओकरे बाद का रउआ हमार महक के दुबारा रुलावा चाहता नहीं आपन उ बिगड़ेल बेटे के जिद पूरा करे के ले ले। देखी जी हमका ना करे के हा अपन महक के शादी राउर बेटे के साथ, उता ही ना समझी लेकिन रउआ से समझे की तो थोड़ी बहुत उम्मीद कर सके नी हा, इहे लेहे डोल ढकोसला रही दी रहुआ जाई। कांता जी हमार बेटा में बहुत बुराई है और शायद माफी के लायक भी ना है। हम सॉरी के भी जब देखनी कारोबार करते देखनी कभी भी ओकरा के प्यार करे ना देखनी, यही से आज जब वो इतना जखम खैला के बाद भी सिर्फ महक के बारे में सोचते रहल तो हमके भी यकीन हो गई कि हमार बेटा भी प्यार कर सीख गई है और सिर्फ महक ही सिखैली हा ओके। ऊपर वाला के खेल देखी उ रउआ सबके साथे रह रह के प्यार करे के सीख गई, अरे रउआ उसे नफरत कर सीख गई नहीं, बदला लेवे के सीख गई नहीं। आज आपे के देवल सीख के वजह से वो चोट खाके दर्द में करारत भी सिर्फ बहक के दियल अपना वादा पूरा करे के बारे में सोच रहल है। रवा के काल लगा था कांता जी कि हमके शौक है यहाँ बार बार आवे के, रवा कल जे किराया के गुंडा मंगवा के हमार बेटा के साथ कही नहीं वो हम जिंदगी वरना भूल सके नहीं। अगर हमार सौर के कुछ हो जाती ना तो रवा अंदाजा भी लगा सके नहीं कि हम का करती। माँ है ना, भले ही हम ओके जन्म ना देनी है मगर पोसनी है ओके जैसे रउआ महक के। हमके लागल रहे कि आप हमार जज्बात के समझ पाई शायद,
102 बुखार में भी हम ओके घर छोड़ के आनी है, सिर्फ ओकर जीत पूरा करे खाते। मगर अफसोस कांता जी कि रउआ ओकर नफरत तो देखनी, मगर महक के लिए लोकर प्यार न देख पाई नहीं। हमार बात मान ली कांता जी, हम रउआ सामने हाथ जोड़ के विनती करेनी, ई दोनों के प्यार के बीच में मत आई। सॉरी, और महक के एक हो जावे दी। रवुआ जा सकत है। हमार बेटा शौर्य महक से और रवुआ सब लोग से आज मेहंदी के रसम पूरा करे के वादा कहले रहे। हम तो जा रहल वानी, मगर जितना हम अपना बेटे के जाने ली ना, आप सोच ली कांता जी, चाहे ओकर तबीयत ठीक हो या ना हो, मगर वो अपन वादा और मेहंदी के रसम पूरा करे जरूर आई। आज रहुआ के देवल सीख की वजह से वो चोट खा के भी, दर्द में करहारत भी, सिर्फ महक के दिहल वादा के पूरा करे के बारे में सोच रहल बा। एक सौ दो बुखार में ओकरा के घर छोड़ के आई नहीं है हम, सिर्फ ओकर जीत पूरा करे के खातिर। तो हार ना कुछ ना हो सकेला, तड़प रहलू हो के हाल जाने के लिए, लेकिन एगो फोन ना करबू है ना बेवकूफ। रुका, हम फोन करब। ना, फोन मत लगाबा, हमके बात ना करे कहा। अच्छा, ऐसे कैसे ना बात करबू? नेहल फोन दा, नेहल हमके बात ना करे कहा, नेहल फोन कर, हमके ना करे कहा बात, फोन दा। हेलो, कैसन बड़ी हमार प्यारी आधी घरवाली? जी जू, आपके आधी घरवाली तो बिल्कुल ठीक बड़ी, लेकिन आपके पूरा घरवाली, जब से पता चला ना कि आप ठीक नहीं की, तब से ओकर बिना 125 ग्राम खून चिंता बन के उड़ गई बा। इलादी बात करा, हमके बात करा यार, हमके समझ में ना रहल बा, तू दोनों के बीच में कोनो कंपटीशन चल रहल बा का, कि कौन ज्यादा जिद्दी बा? इना चुपचाप से बात करा, बात करा। हेलो महक, हेलो महक, आर यू देयर?
कैसन बार का भाई? दर्द की वजह से सांस रुके वाला रहे, लेकिन तो ऐसे बात हो गई, सांस फिर से चलने लगा। तू सच में पागल बारा? देखा आपन पागलपन में का हाल बना ले बारा। आप बिस्तर पे बीमार पड़ रहा बेवकूफ। हालत के वजह से ही तू हमसे बात तो करता रहूं प्यार से? शौर्य ये कोनो मजाक ना हो। कहा भाई तू ठीक बारा? कोई तोरा साथ है बाना? तू हमार ताकत हो महक, तू साथ मारू ना तो हम लाखों जख्म से लड़ सकेंगे। सारी दुनिया के अकेले फेस कर सकेंगे महक। यही से कहता नहीं, छोड़ दे ये नाराजगी प्लीज महक। तनी सोचा हमके तनी सा चोट लागल तो तहार आंसू नहीं रुकत, कहीं वो पहलवान कुल हमके सच में मार दे ले होते तो। बकवास बंद कर तू, हम फोन रखा था नहीं। अच्छा सॉरी, फोन मत काटा प्लीज। महक प्लीज बात तो कर। महक प्लीज तू दवाई ले लो। दवाई ना बहुत कड़वा होला, यही से ना खानी, हम इंजेक्शन लगवा ले यार। बच्चा बरका चुपचाप दवा खा, वरना हम खुद दिया के खिलाई। अब तो बिल्कुल नहीं खाई, तू आवा और ये अपने हाथ से खिलावा। शौर्य प्लीज दवा खा लो और कुछ देर सूत जा प्लीज। शौर्य बात मान ला। अच्छा ठीक बा, एक शर्त पे, जब तक हमके नींद ना आई ना तब तक तू हमरे साथे फोन।
टाइम का भइल? 7 बजे वाला ये जीजू कहाँ रह गइलन? मौसम बिजली का ही कड़कत पिया और आंधी भी आवत बा। अभी छत से कपड़ा उतार क्या बेनी, मैं चला हमार बेटा। अब तो आंधी भी आ गई बा, पर जीजू कब आई? अब वो तो अभी तक नहीं लन। तू दुनो चुप करा ना, वो आ जाए और ना वो के आबे चाहे। इतना तबीयत खराब हो, रेस्ट करे हुए बेहतर रही। कहाँ बाड़ू महक शर्मा, बाहर आवा।